एक बार देवादिदेव महादेव को प्रसन्न करने के लिए रावण ने कैलाश के ऊपर घोर तपस्या शुरू की। तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव प्रकट हुए और रावण ने उनसे वरदान मांगा कि शिवलिंग के तौर पर, शिवलिंग के रूप में भगवान महादेव उनके साथ लंका आएंगे। महादेव ने वरदान दिया भी सही और रावण जब शिवलिंग को उठाकर लंका जा रहा था तब मार्ग में उसे बहुत ही ज्यादा थकान महसूस हुई और उसने गलती से शिवलिंग को जमीन के ऊपर रख दिया। जब उसकी थकान उतरी और थकान उतरने के बाद जब उसने फिर से शिवलिंग उठाने की कोशिश की तब उसे एहसास हुआ कि ये संभव नहीं था। अपने इस अपराध के पश्चाताप के तौर पर उसने एक यज्ञ शुरू किया। 12 साल तक वो यज्ञ चला। यज्ञ की जब पूर्णाहुति होने वाली थी तब भगवान ब्रह्मा को ये डर लगा कि अगर रावण फिर एक बार सफल हो गया तो भगवान महादेव उसे एक ऐसा वरदान दे देंगे जो सृष्टि के लिए अनर्थ अनिष्ट साबित हो सकता है। इसी वजह से रावण की जो आहुति की थाली थी उस थाली में से जो 100 कमल रखे गए थे उसमें से एक कमल भगवान ब्रह्मा ने अपने पास रख लिया। नतीजा ये आया कि रावण ने जब ये देखा कि थाली में सिर्फ 99 कमल ही मौजूद है उस वक्त पे वो बड़ा ही विचलित हो गया। उसने पूर्णाहुति के तौर पर यानी कि आखिरी आहुति के तौर पर अपने शीश को काटकर, अपने मस्तक को काटकर यज्ञ में डाल दिया। उसके इस अपार भक्ति को देखकर भगवान महादेव प्रसन्न हुए और तब जाकर रावण की नाभि में अमृत कुंड की स्थापना की गई। ये पूरा वाक्य, ये पूरी घटना जिस स्थल पे बनी थी वो आज राजस्थान में मौजूद है और उस स्थल के ऊपर जो मंदिर बना हुआ है उस मंदिर को नाम दिया गया है कमलनाथ महादेव मंदिर, जो आज की तारीख में भी भक्त भक्त वहां पे जाते हैं और बहुत सारी पूजा अर्चना करते हैं और रावण का भी स्मरण करते हैं। ओम श्री मातृ नमः।